पता है आनी, हमारे बरसों का इंतजार खत्म हुआ, हमारे मान की शादी है। दादी मैं तो इतनी खुश हूँ कि मेरा मन कर रहा है सारे काम छोड़कर मैं बस नाचती फिरूं। एनी बेटा जी, जरा जोर हरी घास तो मंगवा लो। जी सुषमा जी, और क्या क्या चाहिए आप बता दीजिए। जी एनी जी। दादी बेटा हल्दी का सामान मंगवाइए। जी दादी। आ गई। ताशा सामान का है? अरे आ जाएगा, वो जो नहीं मिल रहा था ना इसलिए वो अर्जुन का एक असिस्टेंट है, वो जो लाने गया है। और कुछ? अर्जुन कहाँ है? अर्जुन, एक्चुअली मैं भी अर्जुन को सुबह से ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ चले गए। अच्छा सुनो, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, आई हैव सो मच वर्क। तुमसे प्यार नहीं करता। बेटे आप किचन में क्या कर रहे हैं? वो दादी मैं कॉफी पीने का मन कर रहा था। अब क्या कि सारे सर्वेंट्स घर के बाहर है तो सोचा कि क्यों ना कॉफी खुद ही बना लूं। मान बेटे शाम को आपकी शादी है और बाहर हल्दी की रस्म चल रही है और आपको कॉफी बनाने की सूझ रही है। चलिए आप जो कुछ भी करें जल्दी करिए और बाहर रस्म के लिए आ जाइए। ठीक है दादी माँ, मैं कॉफी बाद में पी लूंगा। मैं अभी बाहर से आता हूँ, वो क्या है कि हल्दी की रस्म पूरी होने वाली है ना, तो मैं आपसे मिलता हूँ। इन सब के सामने तो जाना ही मुश्किल है। यहाँ पे I'm sorry, मुझे सच में नहीं पता था, वरना मैं भी ना चली गई। अगर लग नहीं रहा था तो बोल नहीं सकते। मैं यहाँ घबरा रही थी और आपकी बॉबी जल वाली स्माइल्स दे रहे हो। वैसे ये कौन सा नया ढंग है, घर में दरवाजा नहीं है कि आप खिड़की से आ रहे हो? ये तो शुक्र है बाबा जी का, मैं आपको जोर से नहीं मारा, वरना पता नहीं क्या। मैं जोर से नहीं मारा? अगर ये जोर से नहीं था फिर जोर से किसे कहते हैं गीत? बताओ मार्किन। गीत, मैंने सोच लिया, अभी मैं दादी माँ से कहकर ये शादी कैंसिल करवाता हूँ। तुम तो बड़ी जालिम निकली, अभी तो अभी शादी भी नहीं हुई है और अभी से मारपीट की बात कर रही है। शादी वाले दिन अगर एक और बार अपनी शादी कैंसिल करने की बात की ना तो पीटना तो दूर, चलो एक्शन शुरू हो जाएगा। क्या कहा तुमने? एक्शन। कौन सा एक्शन होगा? लफंगोर वाली जितनी बातें करनी है कर लो। आप पहले मुझे ये बताइए, तुम चोरों की तरह खिड़की से क्यों आ रहे थे? क्योंकि दरवाजे के बाहर तुमने गार्ड्स खड़े किए हुए। गार्ड्स? मैंने किसी को खड़ा नहीं किया, मैं अभी देखकर आती हूँ। गीता धीरे बोलो, नहीं तो कोई सुन लेगा। पर मान आप यहाँ आए क्यों?
आपको पता है ना, हल्दी के बाद शादी तक दूल्हा दुल्हन नहीं मिल सकते। मुझे पता है, तभी तो आया हूँ। मतलब अभी तक हल्दी नहीं हुई है, और मैं चाहता हूँ कि हल्दी की रस्म शुरू होने से पहले मैं तुम्हें हल्दी लगाऊं। तो आप हल्दी लगाने आए? ओ, पर आउट हाउस में तो हल्दी नहीं है, अब हम क्या करेंगे? ओ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं गीत, अब हम क्या करेंगे? ये तो आपको सोचना होगा ना, मैंने तो आपसे कह दिया मुझे हल्दी लगवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर शायद आप पूरी तैयारी के साथ नहीं आए। ऐसे कैसे हो सकता है कि मान सिंह खुराना कोई काम करने आए और पूरा ना करे? क्यों, रजनीकांत आपका कजिन है। दादी माँ शादी की तैयारी कर रही होंगी, वो हमें नहीं पकड़ पाएंगी, जाके दरवाजा खोल। प्लीज मुझे अनुमति कीजिए, अब जाइए। गीता, अगर मैं चला भी जाऊंगा ना तब भी सबको मालूम चल जाएगा कि मैं यहाँ आया था।